मेरे पास एक ऐप है उसके ऊपर वो मेरा सारा बर्थ से उसने सारा हाँ. चार्ट बनाया हुआ है क्या है आगे का सिचुएशन अभी अच्छा मेरा तो बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं अच्छा। अच्छे दिन हैं हाँ ये पीक है और मेरा पीक है अभी, अभी तो बुलाया आपको हाँ वाकई <laughs> नहीं वाकई All right, guys. Welcome back to another Lights Out podcast. We have again a very, very cool guest today with us. Uh, we've seen a lot of her videos. Extremely funny. Her name is Zanab, but she's also known as Baker Tooth, right? Yes. Hi, Zanab. Hi, how how's it here? going? It's going great. Uh, thank you for coming. Um, firstly, I want to say thank you because we um, a So don't mind if I cough in the middle. It's okay. बस हमें ना लगे बाकी हाँ हाँ, नहीं।, <laughs> नहीं 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 <laughs> तो आपकी अभी-अभी हुई अभी है हाँ जी बिल्कुल आपका आपको कैसे हो रहा है के बाद I mean, कुछ तो कुछ उस तरह जो शादी के बाद अक्सर लोग कहते हैं शादी के बाद जिंदगी चेंज हुई तो 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 है हाँ. right.

सो so बेसिकली मेरे डैड को बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक है वो ख़ुद भी बहुत पढ़ते हैं और उन्होंने बचपन से ही मुझे और मेरी बहन को बहुत ज़्यादा पुश किया कि अच्छा मतलब पढ़ो पढ़ो लिखो और उसके साथ साथ बेशक अपना क्रिएटिव mm -hmm. जो फील्ड्स हैं बेशक उनमें भी आप कुछ भी करो मैं तो ऑनेस्टली मैं बड़ी वो एक्सीडेंटल कंटेंट क्रिएटर बनी हूँ बिकॉज़ माय डैड हैज़ अ फुल फ्लेज एक्सपोर्ट का बिजनेस एंड आई नो नॉट एक्टली उस तरह नहीं कह सकते हीट विच आई स्टिल विल तो उसके लिए मैंने पहले इंटरनेशनल मार्केटिंग की डिग्री की और उसके बाद वन आई केम बैक टू पाकिस्तान तो मेरा बड़ा वो आपके वो मिड ट्वेंटीज़ बहुत ज्यादा होते हैं यू नो यू लाइक ऑल ओवर द्लेस यूक आई डोंट नो वट आई एम डूइंग विद माई लाइफ तो आई वॉज़ लाइक आई 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 डों थिंक सो एम एब बी रेडी टू एंटर इन दिस होल फुल फ्लैज बिजनेस जो आपने एक चीज़ खड़ी की हुई आई डोंट थिंक सो मेरे मैनेजेरियल स्किल्स अभी उतने uh, कह लो कि पॉलिश हैं सो दैन माई डैड वॉज लाइक अच्छा ओके ठीक है दैन टेक अ मैनेजमेंट डिग्री में भी अगर उससे तुम्हें ख़ुद को uh, थोड़ी वैलिडेशन मिलेगी कि अच्छा न, अब मैं उस पोजिशन पर पहुँच गई हूँ कि अब मैं अपने डार्ड की एक जो खड़ी हुई चीज़ है मैं उसको थोड़ा आगे ले कर मजीद बढ़ूँ सो बेसिकली इस तरह दूसरी डिग्री हुई और जब मैं दूसरी डिग्री कर रही थी तो

<laughs> <laughs> I I think मेरे ना वैसे सीरियस हैं आप हाँ? हा, वैसे मैं सीरियस हूँ नहीं कॉमेडी उसमें किस तरह निकल आती हैं I have no idea I honestly have no idea हाँ I maybe it's like a coping mechanism I don't know हाँ तो uh, I was getting bored in pandemic सब कुछ बंद हो गया and I started uh, making TikToks initially आई स्टार्ट मेकिंग टिकटॉक्स मेरा शुरू का बहुत ज्यादा वो टिकटॉक स्टाइल होता था लिप सिंग्स और वो गाने लिप सिंग्स नहीं फनी ऑडियोज जो हैं और वो मैंने Instagram पे पोस्ट करने शुरू किए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पॉलिश होते होते आई थिंक एक सबसे पहली जो मेरी वायरल हुई थी वो एक पाकिस्तानी ऑडियो थी एक वो बंदे की क्या था वो एक्टिंग uh, uh, के बादशाह हो इट वॉज दैट हाँ हाँ ये नाम कहाँ से आया बेकर अच्छा दिस इज़ अ मोस्ट आस्ट क्वेश्चन इवन ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आई हैव ऑल्सो गॉन टू अ कपल ऑफ पॉडकास्ट अर्लियर एज वेल और हर बंदा अच्छा सो आई रीसेंटली आई वुड नॉट लाइक टू नेम दैम अभी क्योंकि उनमें से कुछ अभी आउट नहीं हुई राइट सो अभी I आई uh, well. so recent, like right? so, an एन इंटरव्यू कराची एज वेल तो वहाँ पे भी दैट पर्सन आस्ट

आई डोंट नो अच्छा एवी एक्स डाल ली एक्स मारने के लिए हां अच्छा यूके कब गए हैं पढ़ने गई थी अब हां मैं पढ़ने गई थी ओए uh, लेवल्स करके uh, अच्छा मैंने हां मैं... हां हा। नहीं ओए लेवल्स करके नहीं बैचलर्स के बाद गई थी मैं मास्टर्स के लिए गई हां मैं मास्टर्स के लिए गई थी बैचलर्स uh, कहां से किया मैं इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बताना चाहती अच्छा नहीं बताना चाहती ओके हाँ। और स्कूल भी नहीं 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 स्कूल भी नहीं और ओए लेवल्स के ग्रेड्स

फखर हाँ, मुझे बहुत फखर है और किस बात पे फखर है और मुझे बहुत सारी बातों पे फखर है मुझे मुझे नहीं पता एक्टिंग uh, कि, कि, uh, like और, आपकी और क्या है creative, <coughs> uh, अच्छा, अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो एक्टिंग निकालना चाहूँ मैं तो मैं बहुत जबरदस्त निकाल सकती हूँ शौक है वैसे एक्टिंग का लाइक जैसे प्रॉपर ड्रामा सीरियल या इस तरह कर मैं ये चीज़ें कंसिडर कर रही थी ऑफर आई थी अच्छा अभी तक क्योंकि मैंने अभी तक कुछ ऑडिशन टिप्स भी नहीं बनाई मैंने बनाई हुई है पर मैंने अभी तक आगे भेजी नहीं क्योंकि uh, मैं भी थोड़ा एक्सप्लोर कर रही हूँ कि क्या मैं उस इंडस्ट्री में जाके चल सकती हूँ कि नहीं चल hmm. सकती मेरी पर्सनालिटी बहुत वो कह लो डिफरेंट है बिकॉज आई कम फ्रॉम अ एक वो बिजनेस फैमिली तो मेरा आई कान टेक ऑर्डर्स अच्छा सो आई हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल के दिस माइट नॉट बी अ गुड फिट फॉर यू नहीं तो आप जब आई अंदर हाँ मैंने हाँ. आपको कहा लेफ्ट साइड पे बैठ जाए बुरा तो नहीं लगा <laughs> <laughs> नहीं 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 <laughs>

आपको ये लगता है कि आपसे ऑर्डर डायरेक्टर की ले ही नहीं जाएगी डायरेक्शन मुझ मतलब मुझे नहीं लगता दिस इज पीपल क्लोज टू मी मी हैव टोल्ड कि इट माइट नॉट बी अ गुड फिट फॉर यू इसकी वजह से आपकी कोई लड़ाई शड़ाई होती है लेकिन आप अगर अड़ जाए

बिजनेस बिजनेस का संभालेंगे अच्छा न, आ, ये वो आता है ना आजकल बहुत वो पे चल रही है, नेपो बेदी, नेपो बेबी बेबी सो मेरे तो यही चाहते हैं पर आ, मेरी बस थोड़ी सुई अड़ी हुई है कि आई और अ लॉ स्टूडेंट इन लंदन उसका वो बस कर लेगी। करने को वो कर सकती है पर उसकी अड़ी हुई है उसको यूके के पसंद है दोनों यूके हाँ। क्यों गए हाँ पढ़ने के लिए गए वो अच्छा। बैचलर्स के लिए गई मैं मास्टर्स के लिए गई आप बैचलर्स के लिए क्यों नहीं गई क्योंकि जब बैचलर्स का टाइम था तो उस टाइम पे इतना पता नहीं था कि अच्छा, अच्छा। बाहर भी जा सकते हैं अच्छा। प्रोसीजर्स क्या हैं हाँ और उस टाइम पे लाइफ के कुछ सर्टम भी ऐसे थे गर्लफ्रेंड <laughs> hmm. <नहीं>, बॉयफ्रेंड नहीं नहीं, <laughs> <laughs> नहीं, नहीं 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 वो सीन नहीं था <laughs> मैंने कभी भी किसी के पीछे अपनी जिंदगी के बड़े डिसीजन जो है वो अफेक्ट नहीं किए <laughs> नहीं लिए नहीं किए और फ्यूचर भी मैं मैं भी ऐसा ही होगा अच्छा तो ये अभी कैसे डिसाइड किया एंगेजमेंट का अरेंज है क्या है मुझे पता था ये सवाल होगा

बहुत एक कह लो एक दो सेकंड के लिए खोल के मैंने अभी उसे भी रिवील नहीं किया अच्छा हाँ। तो बाद में करूंगी समझ हाँ, और फिर वो शादी समझ पे तो से <laughs> <लागे>। <laughs> नहीं? तो शादी तो होती है दो तीन हफ्ते महीने करेंगी शादी के टाइम अच्छा जब मैं शुरू हुई थी इस जर्नी में ना तब तब मैं कहता हूँ हाँ मेरी शादी होगी फिर पीक टाइम होगा मेरा ये वो पर अब मैं कहती हूँ यार नहीं आई जस्ट वॉन्ट टू कीप वेरी प्राइवेट अगर आप अपनी शादी के दिन भी आप उसको बिजनेस में इट्स जस्ट माय ओपिनियन ठीक है मैं किसी को आई एम नॉट थ्रूइंग शेड ऑन एनी वन अगर आप अपनी शादी का दिन भी बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हो पी आपके वहाँ पे भी yeah. है आर मिल्किंग इट आर यू इवन गेटिंग मैरिड

तो दोस्तियाँ हैं बहुत ज्यादा नहीं है अच्छा हाँ। कोई क्लोज दोस्त वगैरह है तो छोटे वाकई हाँ। अब, अब तो कोई बेस्ट फ्रेंड वाला कोई कोई सीन ही नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं रहा यूके तो में दोस्त के अच्छा क्यूँकी मेरा बिजनेस ज्यादा यहाँ चलता है मैं जब यूके में होती हूँ तो ऑब्वियसली मेरी ब्रांड डील्स भी कम हो जाती हैं क्योंकि वो क्यों होता है

मेरे बहुत हैं। अच्छा? हाँ, मेरे पास पास बहुत अच्छा? अच्छा। अच्छा? तो तो के बारे अच्छा? <laughs> यही तो है।, हाँ, है। क्योंकि मेरी खाला आ, होती थी, वो तो वो मुझे बचपन से ही वो stories जो है। और मेरी नानी का जो घर था वो बड़ा फेमस था पूरे खानदान में कि यहाँ पे कुछ हमेशा यही होता है नानी का या दादी का एग्जैक्टली और मेरी नानी का घर वो बहुत ही फेमस और मैं वहीं जाके रहती थी हमेशा तो आपको हुआ है कभी एक्सपीरियंस मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ बस स्टोरीज सुनी हुई बस मैंने स्टोरीज ही सुनी हुई है पर ये है कि मुझे आ, आ, बीच में तीन चार साल रेगुलर स्लीप पैरालिसिस होता रहा हाँ वो ड्रोना yes, होता है हाँ, और जब मुझे पहली दफा हुआ अच्छा, या में मैं मैं लेकिन मुझे आपकी रहा उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेवल्स की तैयारी कर रहा था और मैं रात को कॉफी पी के पढ़ाई करता था अच्छा। फिर जब सुबह सोने की कोशिश करता था क्योंकि इतनी ज्यादा कैफीन मेरे सिस्टम में होती थी तो मे वुड जस्ट बट इट वॉज वेरी अल्लाह का इमेजिन मुझे तीन से सा चार साल रेगुलर हुआ है हर रात हर रात हर रात रेगुलर स... वो कहते हैं जिन होता है जो सिर्फ स्लीपाँ भी यही कहती है वो ऊपर आके नाम है अच्छा

वो पहली दफ़ा पहली दफ़ा मैं डर रही हूँ उसके बाद तो आई वॉज लाइक आई वॉज नाउ आई एम सो यूज टू इट अब होता भी है तो मैं कहती हूँ इट्स ओके अभी रिसेंटली भी हुआ है हाँ आई थिंक पंद्रह दिन पहले हुआ है बट अब बहुत कम हो गया अच्छा यस yes. मेरे लिए आई फील इट हैज़ अ लॉट टू डू विद माई मेंटल हेल्थ वेन आई एम स्ट्रेस्ड फिर मुझे होता है अदरवाइज नहीं होता right. हाँ एक दफा बस हुआ था मैं यूके में थी बिकॉज आई लिव लेवन देयर विदूडेंट वो अक्सर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वगैरह होती है तो मैं अक्सर घर अकेली होती हूँ तो आई वॉज स्लीपिंग आई वॉज अ लोन और तब मुझे हुआ तो तब मैंने एकदम से मैंने आंखें खोली तो आई जस्ट सॉ दिस फिगर इन माई रूम अच्छा या उससे पहले आई डोंट नो कोई बहुत लंबी सी फिगर थी हाँ जिंदगी में हाँ बड़े बड़े मसले कोई मसला नहीं तुमने भी जो करना है कर लो ये आपने बात की इसके साथ। हाँ, मैंने बात है। के फ्रीज हुई होती है हाँ, ना फिर आपने कुछ किया नहीं चीख नहीं मारीख तो निकलती नहीं नहीं चीख तो निकलती नहीं हाँ उसमें थी बट मेरी आंखें खुली ना आई ओपन माई आईज एंड सामने वो वो चीज़ थी बस हाँ, बस एक वो ऐसे सा था That was like the only experience जो मैंने बस अपनी ज़िंदगी में किया वरना वो तो I think, regularly होता रहता है रात को लेट नाइट बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आपको लगेगा यहाँ से कोई यूं गुजर के गया आ, तो होता है ना। हाँ वो तो वहम होता है। वो तो होता ही रहता है वो तो मेरे रोज होता है लेकिन फनी बात ये नहीं है इसमें अच्छा होता है वहाँ पे। वहाँ पे भी होता है हाँ ये जो फिगर उधर इतना जल्दी पहुंच जाता है यही है <laughs> <laughs> मुझे लगता है वो जिन मेरे साथ, साथ साथ होता है साथ साथ जहाज में बैठ के मेरे साथ जाता है <laughs> <कर वही> <laughs> अभी आपके पीछे भी खड़ा है अल्लाह ना करे सब। शुक्र है सुबह है अभी हाँ। एक दिन निकला हुआ मेरी कोई भी यहाँ से ये वीडियो लेके उसको एक्सप्लॉइट किया तो जिन यहीं छोड़ के जाऊंगे <laughs> देखना <laughs> <laughs> वो हम नहीं करेंगे अच्छा हाँ वो, लोग करेंगे हमारा एडिटर करेगा अच्छा तो कोई अगर की जिन स्टोरी है वैसे बाय द वे बिफोर आई डू दैट आई वांटेड टू पॉइंट आउट कि आपका जो आउटफिट है हाँ हाँ I really like your outfit. Oh, it's one of you. like the coolest. Yes. What do you say? In Urdu, it's called Dangri. It's called Dangri. It's also called Dangri in But its spellings I think it's pronounced Dangri or something. Dangri or something. Yeah. No, Really Overall cool shoes as well. Like oh, ye, yes. um, I've never seen these ones. Yeah, these yeah. were limited editions, So, I got them. Yeah. UK? Say? Yes. <laughs> yes. <laughs> और ये आपने कहाँ से लिए आर्ट दिस इज मैंगो मैंगो पाकिस्तान से लिए <laughs> हाँ पाकिस्तान से लिए अच्छा नहीं वेरी कूल आउटफिट आई मस्ट से हां थैंक यू आई लाइक योर जैकेट थैंक यू ये तो मैंने लंडे से लिए लंदन सॉरी आपने कहा लंडे से आई एम जस्ट स्टोरी आप बता रही थी जिन की अच्छा वो मैं सोच रही थी अभी कि मैं कौन सी वाली बताऊं जो सबसे स्कियरीएस्ट हो अच्छा जो एवरेज हुई तो सब स... लोग फिर कहेंगे कि यार ये इतना तो मज़ा अच्छा सो so, मेरी जो हाला हालां मेरी जो नानों का घर होता था उसके तीन स्टोरीज थी सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर एक फ्लोर था वहाँ पे टेंकी शेंकी एंटीना वगैरह था उस टाइम पे सो so, ये मेरी माँ मुझे स्टोरी बताती है कि हम लोग सबसे नीचे वाले फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर बैठ के टी देखते थे और एंटीना ख़राब हो जाता था तो एक दिन रात को मेरे छोटे कज़न को मेरे मामों के बेटे को मेरी माँ ने मामा ने ऊपर भेजा जाओ जाके एंटीना ठीक करके आओ और वो सबसे टॉप वाली टैंकी के ऊपर चढ़ के गए और वो चीखे मारता हुआ नीचे आया कि आ पप्पो वो तो एंटीना के ऊपर बाबा जी बैठे हुए हैं उनकी लंबी सी दाढ़ी है एंटीना के ऊपर एंटीना, के सा है। <laughs> <laughs> वो एंटीना के बाबा जी बैठे हुए हैं ये स्टोरी मेरी माँ बताती हैं और उसके बाद उसी मोहल्ले में कहीं पे किसी को जिन पड़ गए और वो किसी बाबा जी के पास गए और उन्होंने जब जिन निकाले तो जिन ने बोला क्योंकि हम लोग बट हैं अच्छा तो, खाने शौकीन हाँ, लो kind of, हाँ, अच्छा। मेरे वो लो लो सही है। अच्छा। हमें वो कहते हैं आप लोग असली बट नहीं है अच्छा। हाँ, हमारी फैमिली को इतना खाने का शौक नहीं है सो एनी <coughs> so anyway, जब उस औरत के जिन निकाले तो वो जिन जब निकले तो उन्होंने कहा कि जी वो बाबा जी ने पूछा कहाँ पे रहते हो तुम लोग तुम लोग यहाँ के इस एरिया के लोगों को तंग करते हो तो उन्होंने कहा हम लोग वो बट्टों की टैंकी के ऊपर रहते हैं रहना भी है तो टैंकी के ऊपर है और वो भी एंटीना हाँ। <laughs> 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 बटू हाँ। हाँ की टैंकी के ऊपर रहते हैं उन्होंने कहा अच्छा <coughs> तो फिर गए कभी टैंकी पे उसके बाद। अच्छा मैं तो बड़ा चढ़ी हुई हूँ वो टैंकी के ऊपर भी चढ़ी हुई एंटीना भी देखा हुआ है मेरे साथी शायद में भी किधर है वो एंटीना अब <coughs> वो तो है ना वहाँ गुजरात वाली साइड पे अच्छा भी भी अभी भी है वो जगह अभी भी है जो हमारे लिसनर्स हैं उनमें से अगर किसी का या कोई सोच रहा है लॉन्ग डिस्टेंस का अच्छा तो उनके लिए कोई टिप्स अच्छा सबसे बड़ी टिप जो है वो तो मैं यही दूंगी कि बहुत ज्यादा आप डोंट रिलाई ऑन दी अदर पर्सन देर ओन हाँ दे लाइफ एज वेल ठीक है आपका हाँ कॉल करो बार बार टेक्स्ट करो हर बार आ, वीडियो कॉल नहीं उठाई किधर हो हाँ वीडियो कॉल पे सोना है चलो ठीक है <laughs> हाँ लोग सोते हैं आ, हाँ आप ऐसे किया आपने कभी नहीं मैंने नहीं किया <laughs> <laughs> मैंने नहीं किया भाई <laughs> अभी नहीं वो क्या होता है निबा निबे <laughs> वो वाला सीन बाबू ने थाना ना था <laughs> वो वाला सीन नहीं आपने किया नहीं अगर मैंने किया भी हो मैं क्यों मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों बता के बता बताँगे? दे हमारा पॉडकास्ट नहीं भाई मैं बताऊंगी अच्छा नहीं का टिप्स बेसिकली इतना कंट्रोलिंग नहीं हो हां इतना कंट्रोलिंग नहीं हो और अपनी अपनी जिंदगी पे फोकस करो हां अगर लड़की कोई सुन रही है तो लड़की को ये कहूँगी लड़का सुन रहे है तो उसे भी यही कहूँगी अपनी जिंदगी पे फोकस करो दोनों फोकस करो ना ट्राई टू बिल्ड समथिंग टुगेदर टुगेदर नहीं डिस्टेंस है ना तो कैसे अच्छा <coughs> वैसे वेरी 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 वैलिड क्वेश्चन बिल्कुल सही कहा है क्योंकि अब हाँ अब मेरा तो शायद डिफरेंट सीन है कि मेरी मंगनी होगी तो वी hmm. नो अच्छा ठीक है फैमिलीज ओके नो एवरीबडी ओके ऑल राइट ठीक है अब ठीक है तुम अपना काम करो मैं अपना काम करती हूँ लेट्स मीट शादी वाले देने अब

August we, movie ha, we we don't talk that much because uh, I'm also mostly busy. He's also mostly busy. Right. Yeah, so we talk like once a day, or at times even after two to three days. I don't know like, the exact timeline, but were you already pretty popular by that time? Uh, by the time I got engaged. Yeah. Yes. Yeah, I ja was. Baat pakki ha, 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 I was. Achha. Yes. And yeah, he's pretty cool with Yes, he's, he's 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 pretty cool with it. His family is pretty cool with it. Achha. My parents are okay with it. They are getting okay with it. Okay. Yeah. <coughs> But agar कल को उन्होंने कहा कि Like I he said earlier कि मैं अपनी ज़िंदगी के बड़े डिसीज़न्स कभी भी किसी के पीछे इफ़ेक्ट नहीं करती। नहीं, अपने चॉइस नहीं होगा चलो वो फिर सबको साथ लेके चलना पड़ेगा हाँ, सवाल वेरी हाँ, हाँ, टफ सवाल पर चलो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा मैंने इनिशियली ही ना अपनी फैमिलीज की कोई बहुत हाई होप्स की और ना ही अपनी दूसरी फैमिली की अच्छा राइट right? सो so, किसी को फैमिली में मसला है वैसे आप शायद एक्सटेंडेड फैमिली में किसी को हो जो अपने घर बैठ के अभी भी पॉडकास्ट देख के कह रहा हो गालियाँ निकाल रहा हो क्या कर रही है ये

So I explained it to him, he was like, फिर भी आई बिलीव थोड़ा लॉजिकली चीजों को मैं और मेरे पेरेंट्स भी ऐसे है की अगर उन्हें लॉजिक से कोई चीज एक्सप्लेन करो वो कन्विंस हो जाते हैं फिर भी क्योंकि मैंने कभी ये कंसिडर किया ही नहीं इवन अभी भी मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि अगर मुझे एक दिन बंद करना पड़े तो मैं करूँगी हाँ सॉरी <coughs> अच्छा हम क्या बात कर रहे थे यही कि आपके अबू ने आपको हा, हा, हा। बड़ा कहा कि यार ये क्या कर करी व्हाट इज दिस बेकरतूत निकली तुम हाँ तुम बेकर ये क्या नाम है भाई बेकरतूत तुम तो वाकई नाम का असर ले लिया जो हम बचपन में कहते थे तुम्हें अच्छा नहीं गुस्से में नहीं आए थे वो बट ही वॉज जस्ट लाइक अच्छा नहीं बंद कर दो बेटा सोसाइटी को साथ लेके चलना पड़ता है खानदान को साथ लेके चलना पड़ता है देन आई शोड हेम दैट फीचर तो आई वॉज लाइक दैट सी मतलब पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी क्योंकि उनको नहीं पता ट्वेंटी थाउजेंड फॉलोअर्स क्या होते हैं हंड्रेड के क्या होते हैं उन्हें मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा दीज आर ऑल जेनवन पीपल दीज पीपल एग्जिस्ट शायद बीच में दस हज़ार कोई बॉट फॉलोअर्स होंगे बट ये लोग हैं दीज आर एक्चुअल ह्यूमन बींग्स उन्हें इंस्टाग्राम का भी कोई कॉन्सेप्ट का नहीं पता था बिकॉज दे आर नॉट ऑन सोशल मीडिया बोथ ऑफ माई पेरेंट्स तो वैन आई शोड दिस टू देन आई शोड माई दिस फीचर कि अच्छा ये देखें ये भी एक आर्टिकल है उस उसमें भी मेरी तारीफ हो रही है इसमें भी हो रही है तो वो थोड़ा थोड़ा सा फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया राइट right. लिया yeah. फिर आहिस्ता थोड़ा उन्होंने देखा मेरी जो वो स्केट्स फनी वीडियोज थोड़ी सी देखी हंसी आई हंसी आई बट बटन उनकी हंसी अच्छा में निकली और वो बड़ा अमेज़ भी हुए। ये मुझे नहीं पता था तुम तुम इस तरह में की वीडियोस हाँ, इतना क्या छुपा टैलेंट है हाँ। मुझे यही लगता था हर वक्त अपने कमरे में रहती है पता नहीं क्या करती रहती है कमरे में अच्छा तुम तो वीडियोस बनाती हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ा सा वो हाँ अब वो बिल्कुल ठीक है बट अभी भी मुझे कुछ गाइडलाइंस हैं घर से

अब अच्छा, आप समझ नून लिख नहीं, <laughs> नहीं। <laughs> मुझे इस चीज़ पे पहले ही बहुत गालियाँ पड़ चुकी हैं मेरे फॉलोअर्स से पड़ी हैं अच्छा। मैंने बड़ा मुंह उठा कर लगा दिया ओ जी वो ये पीटीआई तो ये वो ओ हो 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 अच्छा। हाँ नहीं नहीं, नहीं बट मैं मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती आज आपको सुनाएंगे गाना जो मैंने इमरान खान साहब के ऊपर मैंने देखा था वही हाँ। हाँ, बिल्कुल हाथ वगैरह आपने दिखाया कभी नहीं कभी नहीं है है शौक है। पता चलेगा मतलब I don't mind, मुझे शौक नहीं नहीं अगर कभी मैं किसी दिन जा के दिखा स्टार लूँ। नहीं, जो एक्स, भी होती ना अपना बर्थ डे पूरा चार्ट बनाते हैं हाँ मेरे पास एक ऐप है उसके ऊपर वो मेरा सारा बर्थ से उसने सारा चार्ट बनाया हुआ तो है मेरा मरकरी क्या है आगे का सिचुएशन अभी अच्छा मेरा तो बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं अच्छा। अच्छे दिन है। हाँ। ये पीक है आपका और मेरा पीक है अभी, अभी तो बुलाया आपको वाकई हाँ। वाकई <laughs> नहीं मेरा बहुत पीक चल रहा है अब आ, क्या कहते हैं ये सारी वो चीजें उल्टी ना पड़ जाए बट मेरा फाइनेंशियल <laughs> भी अकॉर्डिंग टू माई देट शॉर्ट आपका फाइनेंशियल भी बड़ा पीक पे जाएगा आपका वैसे भी बड़ा सब कुछ पीक पे जाएगा अप्रैल तक अप्रैल के बाद पता नहीं क्या होने वाला भाई हाँ

बट अगर आपके साथ पे मेंटल हेल्थ अफेक्ट होना शुरू हो गई या आपके प्रेशर ले रही थी कि रोज अब डाल नहीं yes. है तो कुछ मिल नहीं रहा अच्छा इस पे लाइक नहीं आए इस पे व्यूज नहीं आए यस yes, एग्जैक्टली exactly. और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरा कंपटीशन मेरा अपने साथ ही होता है अगर मैंने पिछली वीडियो लगाई है मुझे अगली उससे बेहतर बनानी है लेकिन बेहतर आप बना लो लेकिन व्यू अब उस पे इंस्टा <coughs> पे है कि वो आपको ये yes. कितना लगता है हाँ. आप अपनी तरफ से फुल दिया है हां लेकिन व्यू हाफ हो गए हां पिछली वाली ऐसी बेदिली से बनाई थी लेकिन उसमें डबल व्यूज थे यस yes. हाँ. ऐसा भी होता है ना ऐसा भी होता है ऐसा बिल्कुल समटाइम्स द मोस्ट रैंडम स्टफ गेट्स वायरल यस इट गेट्स लाइक टन्स ऑफ व्यूज नो बट लाइक बिल्डिंग द मोर स्टफ यू पुट आउट द मोर व्यूज इट गेट्स द मोर फॉलोअर्स यू गेट द मोर इट बिल्ड्स योर ब्रांड यस Isn't that the whole point? Yeah, no you you're, you're saying you, like it comes at a cost with mental health. Yes, exactly that's obviously likes views but आपका daily content post करने का पहला नुकसान आपकी mental health है दूसरा नुकसान ये कि आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है अगर आप रोज ही अपने दिमाग को नचो ओढ़ के आइडियाज निकाल रहे हो सो yeah. so imagine आप हफ्ते में दो दफा पोस्ट कर रहे हो आपका वो क्वालिटी content जो है वो बनेगा so, अब आप हफ्ते में दो दफ़ा कर दिए आई मीन इट डिपेंड्स मेरा कुछ ब्रांडेड भी तो पाँचों दिन ही लग जाता है क्योंकि वो मैंने पहले का शूट किया होता है क्योंकि वो आप ब्रीफ देते हैं कि ये बनानी है, जो आपका चल रहा है या जो आप, आपको जो पता है कि चलेगा जैसे अगर सपोजर <coughs> किसी फोम का ब्रांड है वो कहेगा नहीं थोड़ा सा शॉर्ट ऐसा होना चाहिए लेट के दिखाओ ये Hmm. फिर जो और वो ब्रांडेड मैसेज ये वो ओ इट्स अ वेरी नाइस मैट्रेस यू मस्ट ट्राई इट हां हां तो वैसे करते तो लोग स्किप कर देते हा, हैं हां तो बिल्कुल तो फिर जब वो स्किप करते तो इंस्टाग्राम और भी कम लोग एग्जैक्ट नो ब्रांडेड पे जो है वो वाकई बहुत कम व्यूज आते हैं बट मे लाइक आई मेंशन अर्लियर कि मेरा वर्क एथिक हमारे जो है वो थोड़े से थोड़े डिफरेंट है uh, hmm. कुछ ब्रांड्स माइट कॉल इट बहुत सख्त कुछ माइट कॉल इट वेरी अपटाइड बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ दैट अगर फॉर इंस्टेंस कोई फोम का है या किसी स्प्रे का है और ये स्प्रे बहुत अच्छा है ले ले mm. ले आई विल नॉट पोस्ट दैट डजेंट मैटर मुझे जितने मर्जी पैसे दे रहे हैं आप ही ब्रांधी. मैं फन नहीं आई ऑलवेज ask फॉर क्रिएटिव फ्रीडम मुझे आप पैसे कम दे दो बट आई वॉन्ट क्रिएटिव फ्रीडम मैं आपकी ब्रीफ एज इट इज़ कॉपी नहीं करूँगी सो so, अब ये है कि मोस्टली ब्रांड्स that कम टू मी उनके माइंड में यही होता है इससे तो क्रिएटिव फ्रीडम मांगना है अच्छा yes. so, मेरा जो है वो बहुत ज्यादा वो इन योर मार्केटिंग मेरे ब्रांडेड कंटेंट में आपको नहीं लगेगी नहीं शायद कोई एक आद वीडियो हो जिसमें मैंने भी लड़ लड़ के एंड में कहा यार इट्स ओके शायद एक आद हो मेरी फीड पे बट आई ऑलवेज आस्क फॉर क्रिएटिव फ्रीडम हेट कमेंट मिलते हैं आपको हाँ मिलते हैं किस बात पे अच्छा बहुत सारी चीज़ों पे मिलते हैं शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई हैड सम वेट ऑन तो तब वो मोटी मोटी <laughs> वो चीज तो, मोटी हाँ अच्छा, उस, मुझे तो कहीं नहीं आप लगी नहीं नहीं बहुत बहुत शुरू में अच्छा आई हैड सम वेट ऑन तो आ, और तब भी वो वेट नहीं था नहीं लेकिन वो इक्का दुक्का कोई बंदा एग्जैक्टली हाँ फिर उसके बाद बीच में होना शुरू हो गया वुमेन आर नॉट फनी वो वुमेन टी वाला एक वो कमेंट निकला था ना वो वुमेन 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 टी 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 अच्छा उसके बाद आई थिंक सबसे ज्यादा जो मुझे अगर हेट मिला है तो मैंने वो पॉलिटिकल बहुत वो सिचुएशन खराब हुई हुई थी तो मैंने अपनी तरफ से बड़ा वो स्टोरी लगा हाँ मैंने फनी बनने की कोशिश की उस पर मुझे वो तो बहुत एक्सट्रीम था वो मुझे बहुत हाँ उसके बाद मैंने नहीं आज के बाद मैंने कभी भी किसी पॉलिटिकल सिचुएशन में नहीं घुसता अच्छा हाँ

यू you नो know, अपने साथ खुद ही आप लड़ रहे हो राइट yeah. सो right? so, एक पॉइंट पे मैं ऐसी थी, hmm. थोड़ा अपने अपने, अपने आप करना आ, वो तो कुछ कर भी नहीं रहा या कर भी नहीं भी रही बट वंस यू योर सेल्फ आर इन सेफ स्पेस अपने हेड yeah. में तो फिर उसके बाद आई पर्सनली बिलीव चीजें जो है इतना मैटर नहीं करती इंसान अपने ऊपर फोकस करना शुरू करता है हाँ. so, आप आप कह सकते हैं हाँ हाँ कह सकते हैं कि आई हर इंसान की अपनी जर्नी है ना किसी का दिल है वो अपनी शादी करके उसको मिल्क करे श्योर आई वुडन वांट टू डू दैट तो और हमारे कोई व्यूअर्स को कुछ बताना चाहे व्यूअर्स को व्यूअर्स को I आप वैसे गार्डेड हैं तो आप ज़्यादा पूछ हाँ नहीं uh, uh, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं एक्सपोज uh, mm. किया हुआ yeah. मेरा प्रोफाइल uh, बहुत वो ट्रांसपेरेंट है एट टाइम्स अगर मेरी कभी कभार कुछ मेंटल हेल्थ नीचे भी गई होती तो आई पोस्ट बिकॉज वन थिंग दैट आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट इज़ मेंटल हेल्थ बिकॉज आई हैव स्ट्रगल्ड विद डेट स्पेशली जब से मैं बिल्कुल ये ऑन स्क्रीन आई और ये सोशल मीडिया और ये थोड़ा कह लो लाइम में आई तो उसके बाद तो दे दे वोज टाइम के बहुत ही ख़राब मेरी मेंटल हेल्थ चल रही थी बस ये वैलिडेशन के लिए मैं कॉन्टेंट पोस्ट करती थी ये नहीं कि मैं अपने लिए पोस्ट करूँ उस चीज़ में मैं बहुत वो ओपन हूँ पर थोड़ी जो वो और थोड़ी जो पर्सनल चीज़ें जाती हैं अच्छा इसकी थोड़ा फ़ैमिली के बारे में आइडिया हो लोगों को वो कैसी है कहाँ से पढ़ी है फ़ौन से कैसा है उसकी फैमिली कैसी है वो मैं थोड़ा सा कहती हूँ कि नहीं आई जस्ट वॉन्ट टू टेक थिंग्स स्लो थोड़ी उस तरीके से okay. क्योंकि ऑब्वियसली आपको खानदानों को साथ लेके चलना पड़ता है नाव आई हैव टू फैमिलीज अपने पेरेंट्स को तो चलो मैं कर ही रही हूँ ना आहिस्ता आहिस्ता वो दे आर लर्निंग विद मी दे आर अनलर्निंग सो मैनी थिंग्स विद मी और मैं ऑनेस्टली mm -hmm. सारा क्रेडिट अपने आप को देती हूँ शायद मेरी जगह कोई और बंदा होता तो वो भी uh, बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता कहता नहीं मैंने रहना ही नहीं आपके साथ आई आई एम मेकिंग माई ओन मनी आई एम मूविंग आउट राइट क्या Uh, I could have done that, but I did not because I want I want to take my parents with me. It's also right. a journey for them, right? It's it's their first time living as well. उनकी भी पहली जिंदगी है मेरी yeah, भी, yeah. भी पहली जिंदगी है हाँ और वो uh, ऐसे uh, हालात में भरे हुए हैं उनके बचपन ऐसे हालात में थे uh, कि उन्हें इन चीज़ों ये चीज़ें उनके लिए बहुत नहीं हैं Sometimes you tend to think like our parents, yeah, they have all the answers. Exactly. But we forget that they're also experiencing life for the exactly, first time. Exactly, yes, yes. So, uh, uh, a friend recently was sharing uh, some problems that she was facing in her life with me. She was like, Achha, tumhare parents, how are they okay with it? Because I come from a very conservative family. Achha. Uh huh. I, I the right जिस तरह पहले कहा मुझे guidelines हैं अभी भी घर से। इस बारे में बात करनी है इस बारे में बात नहीं करनी पॉडकास्ट का था उनको? हाँ अभी उन्हें पता है वही ना आहिस्ता आहिस्ता उन्हें हाँ. हाँ. चीजें पता चल रही हैं अच्छा सोशल मीडिया से पैसे आप कमा सकते हो पहले अगर कोई और हो कोई और इंसान हो जिसे इतना नहीं पता ठीक है वो कह दे पता नहीं कहाँ से पैसे आ रहे हैं भाई पता नहीं क्या करते हो आप आई डोंट नो कैसी इंडस्ट्री है क्या करते हैं ये लोग अच्छा इसे मुझे एक और सवाल है इफ़ यूर लाइवलीहुड डिपेंडेंट डिपेंडेड ऑन सोशल मीडिया वे यू हैव टू मेक अ लिविंग जस्ट बाई सोशल मीडिया कि ब्रांड डील्स करके या हाँ पैसे अपना चूल्हा जिसको कहते हैं हा 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 तो आपकी फिर मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आई थिंक होता होगा लाजमी मुझे कभी कभार लगता है कि इट्स अ अम्बेरसिंग थिंग कि आई कम फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली बट आई नो इट्स नॉट मुझे पहले पहले मुझे थोड़ा ये चीजें थोड़ा दिखाते हुए ना शुरू में बहुत एम्बेरसमेंट होती थी कि यार आई वॉन्ट पीपल टू रिलेट टू मी और इसमें ऑनेस्टली कोई फ़खर की बात नहीं है क्योंकि सब कुछ मेरे डैड का है राइट yeah. right? इसमें मेरे, मेरे लिए कोई फख्र की बात वो मेरी है हाँ <laughs> वो मेरी हाँ <है>। सो <laughs> 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 so, सब कुछ मेरे डैड का है अगर uh, मैं घर में बैठी हूँ वो घर मेरे डैड का है वो चीज़ें जब वो नज़र आती हैं ना तो अक्सर जो पहले यूज एड के हेट मिलते हैं मुझे इस चीज़ पे भी हेट मिलता था ये प्रिविलेज बच्चे इनको क्या पता ये अमीर घरों की बिगड़ी हुई औलाद और अगर आई एम इफ़ आई एम बींग वेरी ऑनेस्ट कुछ उस तरह का अमीर सीन भी नहीं है ठीक है आई कम फ्राम अ हम्बल फैमिली सो आई डोंट नो मैं क्या कह रही थी मैं भूल गई हूँ हाँ तो आप ये कह रही थी ना कि प्रिविलेज uh, की वजह से हाँ आई वॉज से मुझे फिर मुझे शुरू में लगता था कि इट्स अ वेरी बैड थिंग आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज फैमिली हाँ मतलब मैं खुल के मैं कोई ओपिनियन नहीं दे सकती ठीक है मैं खुल के कोई बात नहीं कर सकती तुम लोग क्या क्या यू आर ऑलरेडी सो प्रिवेज तुम्हें नहीं पता इन चीज़ों का राइट तो फिर उसके बाद से अब मेरे अंदर ये थोड़ी सी ये चीज़ भी मेरे अंदर थोड़ी सी आ गई है कि अच्छा नहीं मुझे सेल्फ मेड भी होना है आई शुड आई डोंट वॉन्ट टू डिपेंड कम्प्लीटली ऑन माई फैमिली और अल्लाह ताल का शुक्र है अब चीज़ें इस तरह हो रही हैं बट mm. जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि मेरे थोड़े से हालात डिफरेंट हैं मेरा सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं है नहीं, मैं वही अगर हाँ, होता, तो, तो, तो डेफिनेटली होती हाँ। कि प्रेशर भी है एग्जैक्टली exactly. ये नहीं बनाएंगे तो हाँ। और अगर नहीं आ रहा हो कुछ हाँ। कभी ऐसा भी हो सकता है इंस्टाग्राम का एल्गोरिज्मली उसकी इनसिक्योरिटी या जो भी है

हां <laughs> 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 और स्टाइल में है कैसा है आपका स्टाइल सेंस स्टाइल सेंस मेरा इज ऑल ओवर द प्लेस मतलब हर तरह का है मेरा लड़कों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए जैसे आपने पहने हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ईयर नो आई रियली लाइक मेक श्योर टू बाय बीके वेयर्स वो मेरा ब्रांड है बीके oh. so वेयर्स भी लेंगे यस <laughs> <Yes. laughs> <laughs> मुझे बीके जैकेट दे देते मैं भी पहन लूंगी जरूर हम आपको भेजेंगे <laughs> ना <laughs> अच्छा सही फिट है हुडी भेजेंगे हम्म पहन नहीं है फिर हाँ पहनूंगी पोस्ट भी है। करनी होगी हाँ, पोस्ट भी <laughs> <पिकर>। स्टोरी लगाऊंगी मेन <laughs> <गे। laughs> पोस्ट नहीं स्टोरी या सो आई वाज थिंकिंग कोई और बात आप करना चाहें या कोई नसीहत देना चाहें फॉलोअर्स को uh, जो आपको सुन रहे हो हाँ मैं नसीहत या नसीयत। कोई ऐसी कोई छोटी मोटी hmm. बात करनी चाहें नसीहत तो मैं यही दूंगी कि आपका हार्ड वर्क इट ऑलवेज पेज ऑफ डज does इट it? इट it डज हार्डवर्क तो गद्दा भी करता है उसका तो पे ऑफ नहीं होता वो तो बेचारा मर जाता है मेरे चारों तबक रोशन हो गया ये एक्चुअली उधर से रॉक स्टार मूवी देखी हुई आपने नहीं मैंने नहीं अच्छा। देखी हां उसमें वो कहते हैं कि आ, उस पे वो rnb rnb वो रॉकस्टार बनने की कोशिश कर रहा था हां 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 तो डू यू बिलीव इन ये जो आजकल मैनिफेस्टिंग और ये सब हो रहा है हां सम आई आल्सो डू यस आई डू हैव यू मैनिफेस्टेड एनीथिंग नॉट 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 यस यस पहला एपिसोड देखा तो मैंने मैनिफेस्ट किया आई नीड टू बी ऑन दैट पॉडकास्ट इंशाल्लाह वन डे

अच्छा मैं उतना ज्यादा भी नहीं अड़ती बताने ना बताने पे मतलब आई डू अप्रिशिएट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बट बहुत ज्यादा वो एक होता है ना वो उंगल करना आ, हाँ वो आई जस्ट कॉन्ट टेक दैट हाँ एंड डिड यू मैनिफेस्ट योर एंगेजमेंट एज वेल नो कमेंट्स नो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट वन फॉर सेकंड आई कैन से आई डिड बट या मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू एक्सपोज बहुत ज्यादा अभी एट दिस पॉइंट हां गाना करना है या फिर नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं करना कर लेते हैं कौन हाँ? सा आपने सुनना है आप कोई भी सुना दे जो आपको पसंद है आपको मेरे मैं आपने सुने हुए कोई मेरे गाने हां मैंने आपका वो वाला सुना है मैं डूब रहा तो, तो मेरा है ही नहीं नहीं है नहीं, नहीं मेरा है नहीं है हां <laughs> <नहीं है? laughs> <laughs> 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 तो आई वाज लाइक ओ शिट तन के सफर में चलना सबर से कोई ना नजर में हा जब खाब में छोड़ जाए सोचो कोने भाला पाए दिन वो याद आए ना खता हो गई सजा हो गई पुराने दिन याद आए ना दुनिया के इस शोर में सीखा है मर के होती जिंदगी क्या मैं डूब रहा डूब रहा बचाना मुझे बचाना मैं डूब रहा डूब रहा बचाना मुझे बचाना जगमगाती हुई राती है लपे थे। कोई नहीं मुझको सुन रहा ओ ओडलता दिन मजबूर है मंजू जरा दूर पुज रहा उम्मीदों का चेहरा खता हो गई सजा Guys, uh, that was our episode with Zenab, also known as Baker Tooth, and we had such a good time. Thank you once again, Zenab. Thank you for, for having me. Yeah, nahi, aap I wanted to, I had to. Mm. Yeah, and yes. it went pretty well. Haan, yes, so exactly. Haan. This is what we have to say that we have an arabic effect. No, 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 no. effect But no, thank you so much for coming. Yeah, thank and, you for having uh, me. We had a lot of fun. All right, guys, that was our episode. We'll see you in the next one. Bye.